पहली स्नोफॉल हुई है गुलमर्ग माउंटेन के ऊपर, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे हमारा टूरिज्म, विंटर टूरिज्म जो हमारा है, इससे बहुत ज़्यादा विंटर टूरिज्म हमारा बढ़ता है। नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं स्कीइंग के लिए। आपको पता है पहली बर्फ़ देख के यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे बहुत खुश हुए। सेकंड, हमारे जो लोकल लोग थे, काम करने वाले जो स्कीइंग वाले हैं, स्लेज वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है। के स्नो बाइक वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है बर्फ़ पड़ने से, क्योंकि बर्फ़ पड़ने से यहाँ पे तकरीबन 30,000 लोगों की कमाई जो है वो सिर्फ बर्फ़ से होती है। आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग भी होती है हमारी, तो आने वाले टाइम में आपको पता है इस टाइम पीक पे हमारा टूरिज़्म इस टाइम चल रहा है, तो आने वाले टाइम में हमारा टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं, इस साल की पहली बर्फ़बारी हुई है, ठंड थोड़ी बढ़ चुकी है, आप सुबह शाम स्वेटर इस्तेमाल हो गई, आप देखिए मैंने भी जैकेट पहना हुआ है। इस टाइम भी बारिश हो रही है और जो हमारे माउंटेन हैं उनके ऊपर हल्की स्नोफॉल हुई है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जो टूरिज़्म हमारा इस टाइम भी है इससे ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार इससे मिलता है। जब नई बर्फ़ पड़ती है तो ज़्यादा हमारा विंटर टूरिज़्म आता है यहाँ पर, तो उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आएगा।